हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त काजोल। बॉलीवुड के बाद शाहरुख खान इन दिनों अपने कमबैक फिल्म पठान की सुपर सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म को देश विदेश में ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और पठान रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही है। इन सब के बीच शाहरुख खान स्टारर अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर फिल्म जवान में शाहरुख खान के लुक की तस्वीर वायरल हो रही है। जवान के टीजर में शाहरुख के चेहरे पर काफी पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है। फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर्स में भी ये लुक रखा गया है। अब अपकमिंग फिल्म का नया वॉकिंग स्टील सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इसमें शाहरुख खान के लंबे बाल नजर आ रहे हैं। चेहरे पर बैंडेज के साथ मिस्ट्री लुक बरकरार रखा गया है। इस तस्वीर के बाद फिल्म को लेकर फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और किंग खान के नए लुक को काफी पसंद भी कर रहे हैं। लीक हुई तस्वीर जवान के मुंबई शेड्यूल की है। इसी के साथ उम्मीद की जा रही है कि फिल्म का टीजर जल्द से जल्द रिलीज होगा। वहीं फैंस भी लीक तस्वीर के बाद जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर से लिखा है, उम्मीद है कि एटली भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होगी। वहीं एक अन्य ने लिखा है कि पठान से भी ज्यादा कलेक्शन करने वाली है जवान। शाहरुख खान और नयनतारा की पैन इंडिया फिल्म एटली की जवान साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। पठान की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के बाद सभी की निगाहें मेगा स्केल एक्शन फिल्म जवान पर लगी है। एटली की फिल्म जवान 2 जून 2023 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। अनिरुद्ध रविचंद्र ने जवान का म्यूजिक कंपोज किया है। बताया जा रहा है कि थलपति विजय का भी फिल्म में कैमियो रोल है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स काफी चर्चा में रही। इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। फैंस बेसब्री से इसके 3rd सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने बताया कि सीक्रेट गेम वेब सीरीज का 3rd पार्ट आने वाला था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसे बंद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया है। मैशेबल इंडिया के द बॉम्बे जर्नी के साथ बातचीत के दौरान अनुराग कश्यप ने कहा कि सीक्रेट गेम्स को विक्रम मोटवानी ड्राइव कर रहे थे। मैं मुक्काबाज ही शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के 10 दिन पहले विक्रम ने मुझसे पूछा कि सीक्रेट गेम्स करोगे, तो मैंने कहा कि मुझे तो करना ही था, लेकिन उनको पहले से ही मुझसे दिक्कत थी। कुछ इंडियंस लोगों ने उनसे कहा कि अनुराग की फिल्मों की फीमेल ऑडियंस नहीं होती, उसे क्या करवा रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा ही जोन है। फिर वे लोग मेरे पास आ गए। इसके बाद अनुराग कश्यप ने सेक्रेट गेम के 3rd सीजन के बंद होने को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसका पार्ट 3 आने वाला है, लेकिन ये हुआ नहीं। नेटफ्लिक्स ने बंद कर दिया। अब उसे ही पता होगा कि उसने क्यों हुआ। OTT की आज की डेट में हिम्मत नहीं है। टांडव सीरीज के बाद से सब डर गए हैं। मालूम हो सैफ अली खान की वेब सीरीज टांडव के एक सीन को लेकर जमकर बवाल हुआ था। सीरीज के मेकर्स पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का हत किया। सीरीज के खिलाफ कई शहरों में FIR दर्ज हुई थी। वर्ल्ड फ्रंट की बात करें तो अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी नई फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद DJ मोहब्बत को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें अलायक फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी। वहीं करण मेहता इस मूवी से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। विकी कौशल भी इस फिल्म का हिस्सा है। ये मूवी 3 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आलिया भट्ट ने पठान की ब्लॉकबस्टर कमाई पर रिएक्शन दिया है। आलिया से जब पूछा गया कि पठान ने उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस पर रिएक्ट करते हुए आलिया का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री से होने के नाते उन्हें इस बात की खुशी है कि पठान सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। वहीं अनुराग कश्यप का कहना है कि पठान एक फिल्म नहीं बल्कि क्रांति है। उन्होंने कहा कि फिल्में तो हमेशा से आती रहती हैं, लेकिन पठान थिएटर्स में क्रांति कर रही है। अनुराग ने कहा कि उन्होंने शाहरुख को पहले कभी किसी फिल्म में इतना एक्शन करते नहीं देखा। आलिया भट्ट दरअसल हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थी। इस दौरान मीडिया से उनसे पठान की जबरदस्त कमाई पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कर दिया। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।